वेलकम टू आजीविका ग्लोबल स्किल। आज के इस वीडियो के अंतर्गत में हम वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के अंतर्गत में के किसी भी डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाने के लिए सीखेंगे। अगर यदि किसी भी वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हम पासवर्ड लगाते हैं तो उससे प्रॉफिट ये होगा हमें कि उस डॉक्यूमेंट को कोई दूसरा कैंडिडेट हमारा ओपन करके नहीं देख सकता है। तो देखते हैं किस प्रकार से किसी भी वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट के अंतर्गत में पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड को लगाने के लिए हम दो प्रकार से पासवर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। पहला तरीका होता है, अगर यदि कोई फाइल हम बनाएं और उस बने हुए फाइल को सेव कर रहे हैं तो उस टाइम पासवर्ड लगता है। और फिर अगर यदि कोई बनाकर सेव किया हुआ पासवर्ड, कोई सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को फिर से सेव करके सेवेज के जरिए कॉपी फाइल बना करके उसको सेव कर रहे हैं तो उस टाइम पासवर्ड लगता है। डॉक्यूमेंट को सेव करते टाइम ही हम उसके अंतर्गत में पासवर्ड लगाते हैं। जैसे ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो कि पहले से सेव किया हुआ है वन द इंसर्ट टेब नाम से। अगर यदि इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत में हमें पासवर्ड लगाना हो, देखिए सिंपली अगर यदि हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा ओपन हो जाता है। डबल क्लिक किए, ये डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया। किसी भी प्रकार का कोई भी पासवर्ड अभी हमसे नहीं पूछा गया। बट अगर हम चाहते हैं कि इसमें पासवर्ड लगे तो पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपली आपको जाना फाइल में, फाइल सेवेज। सेवेज का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हमारा पहले से सेव है। अगर यदि सेव ना रहता तो हम सेव पे क्लिक करके उसको प्रोटेक्ट करते, बट यहाँ ये डॉक्यूमेंट हमारा पहले से सेव है तो इसके लिए हम सेवेज का उपयोग कर रहे हैं। सेवेज में जाएंगे और सेवेज में जाने के बाद सेव करने का तरीका आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से कैसे सेव करते हैं। जिस लोकेशन पे आपको सेव करना हो उस लोकेशन को चूज करते हैं। लोकेशन को चूज करने के बाद फाइल नेम जो भी देना हो आपको, वो फाइल का नाम दे दीजिए। जैसे इसका नाम हम आजीविका दे देते हैं। अब हमें इसके अंतर्गत पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड लगाने के लिए सिंपली आपको टूल्स में जाना है। टूल्स के अंतर्गत जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा जनरल ऑप्शन का। जनरल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शंस आपको, दो प्रकार का पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। पहला पासवर्ड होता है डॉक्यूमेंट को ओपन करने का और दूसरा पासवर्ड होता है अगर यदि कोई कैंडिडेट आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट को ओपन करके रीड कर सके बट उसके अंतर्गत में किसी भी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन ना कर सके तो उसके लिए ये दूसरा पासवर्ड का यूज करते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो जो पासवर्ड आपको रखना हो वो पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे हमने 123 रखा। अगर यदि हम चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके उस डॉक्यूमेंट को वो रीड ही कर सके, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना कर सके तो उसके लिए हम सेकेंड वाले ऑप्शन में जाकर जो भी पासवर्ड रखना हो वो पासवर्ड हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे उसका पासवर्ड हम टाइप करते हैं 22041, फिर ओके प्रेस करेंगे। जैसे ओके प्रेस करते हैं हमसे क्या पूछा गया, री एंटर पासवर्ड टू ओपन, मतलब ओपन करने का जो पासवर्ड हम इसके अंतर्गत डाले हैं वो पासवर्ड फिर से डालना होगा। तो पासवर्ड रखे थे हम 123 123 टाइप कर ओके किए। फिर क्या पूछा, री एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई, मॉडिफाई का जो पासवर्ड नीचे वाला जो पासवर्ड हम रखे थे 22041 वो पासवर्ड टाइप कर ओके प्रेस किए। ये डॉक्यूमेंट में मेरा पासवर्ड सेट हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर देते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं। जैसे कि आजीविका नाम से इस डाटा को हम सेव किए हैं तो इस आजीविका नाम के फाइल को, डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखते हैं। जैसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं हमसे पूछा जाएगा पासवर्ड। ये पासवर्ड जो पूछा जा रहा है इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, यानी कि ओपन करने के लिए जो पासवर्ड चाहिए वो पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना है। हमने ओपन करने का पासवर्ड रखा था 123, टाइप किए इंटर प्रेस किए। दूसरा ऑप्शन पूछता है इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई और ओपन रीड ओनली। अगर यदि सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट को आप पढ़ने का परमिशन देना चाहते हैं तो वो रीड ओनली पे क्लिक कर उसको सिर्फ वो पढ़ सकता है। बट अगर आप उसे मॉडिफाई करने का भी पासवर्ड देना चाहते हैं तो जो पासवर्ड हम रखे मॉडिफाई करने का वो क्या था, 22041 टाइप कर ओके प्रेस करेंगे। वो डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो गया। इसके अंतर्गत में वो कैंडिडेट जिसको आप देंगे वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है और साथ ही साथ में कुछ काम भी इसके अंतर्गत कर सकता है। इसको क्लोज करते हैं। ये हुआ हमारा, अगर यदि कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, सेव किया हुआ है और उसमें पासवर्ड लगाना हो तो। बट
अगर यदि मेरे पास कोई बना हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट को बनाएं और उस डॉक्यूमेंट को सेव करना हो, तो उसके लिए किस प्रकार से हम वर्क कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपली हमको क्या करना होगा, डायरेक्टली सेव के ऑप्शन में जाना है, फाइल में जाना है, सेव में जाना है, और सेव में जाने के बाद सेम वही प्रोसेस करना है आपको, जहां जिस लोकेशन पे सेव करना है वो लोकेशन चूज कीजिए, जिस नाम से सेव करना है वो नाम आप टाइप कीजिए, और जो भी टूल्स टूल्स के अंतर्गत जाकर जनरल ऑप्शन में वही पासवर्ड आप टाइप कर सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का पासवर्ड रखना चाहते हो तो सिर्फ उसी का पासवर्ड रखिए, जैसे 123 हम रखे, एंटर किए, री एंटर पूछा, 123 रखे, ओके कर दिए, ये पासवर्ड हमारा लग गया। अब इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही पासवर्ड पूछा जाएगा, किसके अंतर्गत, यू नाम के डॉक्यूमेंट में, यू पे डबल क्लिक किए, सिर्फ हमको अपेंड करने का पासवर्ड पूछेगा, जो पासवर्ड हम रखे 123 उसको टाइप कर एंटर प्रेस करेंगे और डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा। अगर हमें फिर से इस पासवर्ड को हटाना हो कि सर हम इसके अंतर्गत जो पासवर्ड लगाए हुए हैं, इस पासवर्ड को फिर से हमें यहाँ से हटाना हो, तो उसके लिए भी हमें फाइल में जाना है, सेवेज में जाना है, और सेवेज में जाने के बाद फिर इसी में टूल्स में जाकर जनरल ऑप्शन को चूज कर जहां पासवर्ड टाइप किए थे उस पासवर्ड को यहां से हटा देंगे, और जिस लोकेशन पे सेव करना है आपको उस लोकेशन को आप यहां से चूज कर लीजिए और ओके कीजिए, और जिस लोकेशन पे सेव करना है आपको वो लोकेशन चूज कीजिए और सेव कर दीजिए। आपका क्या होगा, अब जो यू नाम का डॉक्यूमेंट है इसमें कोई पासवर्ड नहीं है क्योंकि हम वहां से पासवर्ड को हटा चुके हैं। इसी प्रकार से अगर आप एक्सेल के अंतर्गत, पावर पॉइंट के अंतर्गत, एक्सिस के अंतर्गत पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सेम यही फॉर्मेट के जरिए आप उसके अंतर्गत भी कार्य कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।